हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। आज के इस नए कोर्स में जिसका नाम 1000 MEQs पेपर 1 टारगेट UGC नेट, एक नया कोर्स आया है जिसका आप कह सकते हैं MEQs, दैट मींस कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एग्ज़ाम नियर है या फिर आप इन फ्यूचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 के अल्टीमेट कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। आप कहीं मॉक टेस्ट पे जा रहे हो, वहाँ पर आपको सेम रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं, एग्ज़ाम लेवल को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज की आपकी क्लास 1 है, यहाँ पर हम फर्स्ट 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के टर्म्स में भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं रिवीजन करना उसके टर्म्स में भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही के साथ आप चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस हमने कोशिश किए हैं बिल्कुल न्यू और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयार करने के। तो ये क्वेश्चंस देखिए आपको कैसा लगता है, वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है डोंट वरी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी जब भी कोई फर्दर क्लासेस अपडेट होती हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिखकर बताएं, नेक्स्ट कौन सा वीडियो होना चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। देयर आर टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स मेंशनड हियर, राइट। यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखे गए हैं, आपको बताना इनमें से मेन कौन सा है रिगार्डिंग टीचिंग। टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, to develop thinking power of students, to dictate notes to students, or to prepare students to pass the examination. अब देखो यहाँ पर क्या है, elimination method लगा सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे code के terms में भी exam answer देना है, right? अब code के terms में आपको answer देना है तो elimination यहाँ पे सबसे अच्छा reason होता है। अभी क्या पूछा है आपसे, main objective पूछा गया है, ठीक है। main objective आप कैसे बता सकते हो, to dictate नोट्स टू स्टूडेंट्स, इज इट मेन? डेफिनेटली नो, राइट। नोट्स स्टूडेंट को डिक्टेट करने के लिए सिर्फ टीचिंग तो नहीं की जाती है, मतलब सी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। जो भी ऑप्शंस आपके सी कैरी कर रहे हैं उसको आप क्रॉस कर दो, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि या तो आंसर आपका थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा ना, मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन बी या ऑप्शन ए, सिर्फ यही वाला होने वाला। ए को चेक करो, टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर चेक करते हैं बी को, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आंसर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो स्टेटमेंट बी, और ऑप्शंस के टर्म्स में बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। सिलेबस देने की बात है तो यार आजकल ऑनलाइन नेट पे आपको सिलेबस मिल जाती है ना, तो वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हमने नोट्स वाली बात को तो ऑलरेडी हमने हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, देखो एग्ज़ाम को पास करना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का मेन मोटिव नहीं होता, नॉलेज देना मेन मोटिव होता है ना, कि स्टूडेंट की थिंकिंग पावर और भी अच्छी हो जाए, ताकि जो भी टॉपिक्स उनको पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आपने लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा, देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। एक मेमोरी लेवल होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हम तभी अचीव कर सकते हैं जब स्टूडेंट की थिंकिंग पावर बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाए, और वो एक अच्छी टीचिंग ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो बी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गुड मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के गुड मेथड कौन है आउट ऑफ दीज 5, राइट। लेक्चर, डिक्टेशन, सेमिनार, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। अब आपको बताना है कौन सा बिल्कुल अप्रोप्रिएट और गुड मेथड है टीचिंग का। अब कहोगे ये पांचों के पांचों ही टीचिंग के मेथड्स हैं, अग्री, लेक्चर, डिक्टेशन, सेमिनार, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड मेथड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 और 4। मतलब ये देखो, लेक्चर हर कोई प्रोवाइड करता है, लेक्चर कॉलेजेस में चलते रहते हैं, स्कूल्स में चलते रहते हैं, ट्यूशंस में चलते रहते हैं, ये क्या हो गया, रेगुलर मेथड ऑफ टीचिंग हो गया। और लेक्चर के ड्यूरेशन के अंतर्गत ही अगर कोई नोट्स है तो उसको डिक्टेट किया जाता है, तो अगेन ये गुड मेथड हम नहीं कह सकते। गुड यहाँ पे लग रहा है, दैट मीन्स कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की खोज कर रहे हैं, राइट। देन सेमिनार, यस, सेमिनार क्या होता है, एक तरीके से कंक्लूडरी पार्ट होता है, जब कई सारे लेक्चर्स, नोट्स, डिक्टेशन, कई सारी चीज़ें, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद सेमिनार होता है। इन दैट टाइम
हम इसको गुड मेथड कहते हैं, क्योंकि सेमिनार में क्या होता है कि लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों के सामने रखते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वहाँ पर और भी कई सारे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये हो गया सेमिनार, तो डेफिनेटली ये और बाकी से हटके है और कुछ एडवांस है, सो ये आपका गुड मेथड ऑफ टीचिंग हो गया। प्रोजेक्ट, अगेन जो भी कुछ आपने पढ़ा उसको अब आप अप्लाई कर रहे हो और उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो बाय यूजिंग अ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये गुड मेथड ऑफ टीचिंग हो गया। असाइनमेंट क्या हो गया, प्रोजेक्ट एक छोटा पार्ट हो गया, तो जब हमारे पास असाइनमेंट से बड़ी चीज़ है प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली गुड मेथड ऑफ टीचिंग में आपका सेमिनार एंड प्रोजेक्ट आ जाते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, राइट। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ विद लॉजिक, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर मेकिंग टीचिंग डैश। अब यहाँ पर आपको बताना है टीचिंग एड्स का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। टीचिंग एड्स का यूज़ अगर टीचर्स करते हैं तो इससे टीचिंग में क्या नई चीज़ देखने को मिलती है, क्या टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाता है, या फिर मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, अंडरस्टूड होती हैं। थर्ड, मेकिंग टीचिंग अटेंटिव टू स्टूडेंट्स, या फिर मेकिंग टीचिंग यूजफुल, ठीक है। अब टीचिंग एड के टर्म्स में सोचना है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट, देखो कई बार क्या होता है कि चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव आंसर ही दे रहे होते हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। हाँ, टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, और यूजफुल भी होता है। बट यहाँ पर नेगेटिव कोई भी बात नहीं है, उस टर्म्स में जो आपका एलिमिनेशन मेथड है वो लगाना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अभी आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि टीचिंग करने के क्या बेनिफिट्स है, यहाँ पर देखना है टीचर्स टीचिंग एड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो जाता होगा काम, राइट। तो बहुत सारे लोग इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर लगाते हैं, बट ऑल ऑफ द अबव आंसर विल बी नॉट करेक्ट आंसर। देखो, इंटरेस्टिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाता है, मानते हैं टीचिंग एड्स का यूज़ करके, लाइक आप टीचिंग आप ऑडियो और वीडियो का यूज़ करके कर रहे हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारे लोग आंसर ऑल ऑफ द अबव लगा के आते हैं, बट मैं आपको अभी रीज़न बताने वाली हूँ। यूज़फुल ज़्यादा होने लगती है, बट देखो यार, यूज़फुल की बात नहीं है, टीचिंग एड कर यूज़ करने से यूज़फुल हो जाती है टीचिंग, ये एग्जैक्टली एक मुद्दा नहीं बन रहा है। यस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन एक मुद्दा नहीं बन रहा है, राइट। अटेंटिव टू स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एड्स का यूज़ करने का सिर्फ यही मेजर रोल होता है कि हम क्लास के स्टूडेंट को अटेंटिव बनाएं, दैट्स ऑल। अटेंटिव तो तब भी स्टूडेंट रहेंगे जब टीचर होगा क्लास में, राइट। तो ये भी आपका मेजर आंसर नहीं होगा। विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग यूज़ करते हैं। अगर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी के टर्म्स में हम टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके अंतर्गत आ जाती है, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतरीन बनाने के लिए टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, ना कि क्लास को मज़ेदार बनाने के लिए, मेजर अगर टर्म्स में बात करें तो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी ऑल ऑफ द अबव लगाया, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्यों नहीं होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। टीचिंग इफेक्टिवनेस है, अगर टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिवनेस बनाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब उसका बहुत ज़्यादा ही हमें रिजल्ट अच्छा मिले, तो कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। मतलब कौन से फैक्टर है जो कि उसकी इफेक्टिवनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। अगेन, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। कैसे? हैंड राइटिंग ऑफ टीचर बहुत मेजर फैक्टर नहीं है आजकल के टर्म्स में। अगर हम बात करें तो टीचर्स को बोर्ड पर ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल स्मार्ट बोर्ड्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। अगर कोई टीचर है उसकी हैंडराइटिंग ख़राब है, कोई बात नहीं, वो लैपटॉप या फिर प्रोजेक्टर या फिर कह सकते हैं स्मार्ट बोर्ड, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके इस पर्टिकुलर चीज़ का तो निवारण निकाल ही सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं होगा। जब सी नहीं होगा तो फर्स्ट गया, सेकेंड गया, राइट। तो अपने पास क्या बच रहा है, या तो डी होगा। देखो, डी की पॉसिबिलिटी अपने को ज़्यादा मिल रही है। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर होना चाहिए।
आपका टीचर है वो मैथ्स पढ़ाने आया है, राइट, और उसको नॉलेज है साइंस की सिर्फ, तो क्या वो पढ़ाता बहुत अच्छा है? वो ठीक है, वो साइंस बहुत अच्छा पढ़ाता है, बट क्या अच्छा पढ़ाता है तो क्या वो जाके मैथ्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेगा? क्योंकि उसका इंटरेस्ट और एक्सपर्ट लेवल साइंस पे ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक तरीके से डाउटफुल कंडीशन बनती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टीचर अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उस टीचर को होनी ही चाहिए, तो डी तो बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। अब देखो सिर्फ डी से काम हो जाएगा तो देखो ओनली बी से तो नहीं होगा, डी तो अपने को चाहिए। अब एक बार ए को चेक कर लेते, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, तो टीचर की क्वालिफिकेशन, देखो कोई टीचर बनने जा रहा है तो वो क्वालिफाइड तो है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाले मैटर आजकल नहीं आता, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस कौन सी चीज़ होती है? सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, ठीक है। अब जैसे कि टीचिंग के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, तो हर एक टीचर ग्रेजुएटेड है, बट वो ग्रेजुएटेड कौन से सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पे है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ही इज़ अप्लाइंग फॉर मैथ्स तो उसका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग मैथ्स का ही होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का होगा तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ओनली ऑप्शन डी। अ गुड क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। एक अच्छा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर क्या होता है? जिसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उनका आंसर हम जिस भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए होता है उस फॉर्म में देते हैं, राइट। सो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन पेपर। बट एक अच्छा क्वेश्चन पेपर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नोज यूज ऑफ वेग वर्ड्स और रेलेबल, राइट। तो अच्छे क्वेश्चन पेपर की क्या पहचान है आपको यहाँ पर ये बताना है। क्या ये चारों के चारों ऑप्शंस अप्रोप्रिएट हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर क्या है क्या नहीं वो देख लो, ठीक है। जो इनमें से नेगेटिव है वो हम हटा देंगे, राइट। तो देखो ऑब्जेक्टिव, अगर कोई क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैरी करता है तो क्या वो अच्छा है, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैरी करता है तो वो अच्छा है? देखो मेजर जो है ना प्रॉब्लम इन दोनों पे आएगी। वेग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, अगर वहाँ पे नहीं यूज़ किए गए डेफिनेटली वो एक अच्छा क्वेश्चन पेपर है, रेलेबल है, मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो लग ही रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ए और बी में से कौन सा होगा? सो गाइस, जो आपका सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि आपको यहाँ आजकल किसी भी एग्ज़ाम में जो आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि वो गुड क्वेश्चन पेपर का कैरेक्टरिस्टिक होल्ड नहीं करते हैं। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही स्मार्टनेस का पता लग जाता है, कम टाइम में पर्टिकुलर पर्सन की जो नॉलेज है वो भी पता लग जाती है। सब्जेक्टिव में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो चेक करने वाला हो, राइट। बट यस, वेग वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए और रेलेबल तो होना ही चाहिए। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ए सी डी, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स अ गुड क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ओरिएंटेड इज और आर द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। एक एडल्ट लर्नर के कौन से बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ही शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ही शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड, ही शुड बी सेल्फ ओरिएंटेड, और ही शुड बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो आंसर वेरी क्लियर है आपके सामने, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली उसको रिजल्ट आना है ना। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या है? रिज़ल्ट आपका क्या चाहिए आपको, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो कि एग्ज़ाम में पास करें, अच्छे मार्क्स से पास करें, राइट। तो ये तो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन होना है। तो जब फर्स्ट वाला होना है तो होना है, फर्स्ट कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, राइट। मतलब ये दोनों ऑप्शंस और ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर सीधी बात है, एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है क्या कि मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, उसके लिए उसके पास कई सारे रीजंस हैं, मतलब कि वो प्रॉब्लम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है रिजल्ट से ज़्यादा, एंड प्रॉब्लम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रिजल्ट, राइट। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन या कोई भी लर्नर एक गुड या बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं कैरी करता,
राइट, प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा करने वाले अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं ला सकते। हाँ, सेल्फ ओरिएंटेड है मतलब कि अपना भला चाह रहे हैं, तभी तो वो अपने लिए पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड बोले तो अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर के जो भी शॉर्ट टर्म गोल हैं उनको पूरा करते करते अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स और एडल्ट लर्नर्स। फ्यूचर ओरिएंटेशन इज नॉट वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। एज अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म्स में बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेशन, देखो फ्यूचर ओरिएंटेशन एडल्ट लर्नर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट हम सबसे बेसिक मान के चलें तो नहीं होता है। व्हाट विल बी द रीज़न, व्हाई इज़ इट सो? ऑप्शन, स्टेटमेंट वन सेज देयर आर वेरिएशंस अमंग लर्नर्स इन रिस्पेक्ट टू देयर एज, कल्चरल एनवायरनमेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल मेकअप, गोल्स, नीड्स एक्सेट्रा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो लर्नर होते हैं ना, अलग अलग एजेस के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और एनवायरनमेंट से वो जुड़े हुए होते हैं। हर एक लर्नर का अपना खुद का डिफरेंट पास्ट होता है, किसी के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज रही हूँ, उनका पेरेंटल सपोर्ट ना रहा हो, या किसी के पास फिनेंशियल सपोर्ट ना रहा हो, दीज आर द पास्ट एक्सपीरियंसेस। या फिर कोई लर्नर है जो कि अभी 18 ईयर्स एज का है, या कोई 28 ईयर्स की एज का है, कोई 38 ईयर्स एज का है, या फिर सो ऑन, किसी की फिजिकल मेंटल एबिलिटी उसका सपोर्ट कर नहीं पा रही है, या फिर किसी का इमोशनल जो अटैचमेंट है किसी चीज़ से वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने गोल और नीड की तरफ जाने के लिए। ठीक है, ये सारे रीजंस होने के कारण वो फ्यूचर ओरिएंटेशन वाला जो क्राइटेरिया फैक्टर है वो एडल्ट लर्नर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन पा रहा है। सेकेंड वन, लर्नर्स हैव मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट वेरियस एज एंड स्टेजेस। मतलब कि लर्नर के पास बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग एजेस और स्टेजेस पे, लेकिन उनके बहुत सारे सिग्निफिकेंट देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एब्सोल्युटली दिस इज अगेन अ करेक्ट आंसर, राइट। थर्ड स्टेटमेंट सेज लर्नर्स हैव मैनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग एजेस पे, लेकिन उनके सिग्निफिकेंट भी अलग अलग होते हैं। देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, देखो एक ही एज पे, लाइक मान लो कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो 9 साल का है, राइट, और वो दैट टाइम फोर्थ क्लास में, जनरली यही होता है अगर आप ऐसे स्टार्ट करो, फिफ्थ 5 साल के होने से फर्स्ट क्लास पे, 6 साल के होने से सेकंड क्लास पे, एक बेसिक क्राइटेरिया यही चलता है। तो उसके टर्म्स में बात करें तो वो अगर 9 साल का होगा तो वो सॉरी 7 मतलब थर्ड, राइट, यस यस, तो ये फिफ्थ क्लास में जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक स्टेज की बात करें तो जो टीनेजर है उसका सेम स्टेज ही रहेगा, जो पर्टिकुलर एज है टीनेजर्स की उनको हम एक स्टेज लेके चलेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनके भी रहेंगे, लेकिन सबके अलग अलग रिजल्टेंट देखने को मिलता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट है, मतलब बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। इसीलिए फ्यूचर ओरिएंटेशन को बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग कॉल्ड एज लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब लेसन क्लैरिटी क्या कहता है, लेसन क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ दीज विल बी करेक्ट, राइट। फर्स्ट सेज अ टीचर शुड मेक हिज और हर कंसेप्ट क्लियर अबाउट एनी लेसन विच ही इज गोइंग टू टीच। लाइक आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड लेट सपोज मैं इन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज ना लेकर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ के आती, इसके बारे में लेसन क्लैरिटी लेकर आती, तो क्या मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ा पाती? डेफिनेटली नो। तो वही पॉइंट यहाँ पे कही जा रही है कि अगर कोई टीचर किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ाने जा रहा है, जो भी लेसन वो पढ़ाने जा रहा है, तो उसके बारे में अपने कंसेप्ट को पहले क्लियर रखे, दैट इज़ योर लेसन क्लैरिटी। यस इट इज़। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ लेट्स चेक
ओनली स्टेटमेंट टू तो नहीं करेक्ट होगा, और दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। सो अब चेक कर लेते हैं सेकेंड को। अ टीचर शुड हैव अ थोरो नॉलेज अबाउट हिज सब्जेक्ट एज वेल एज हिज और हर लेसन इन विच ही इज गोइंग टू टीच। ऐसा ही नहीं है लाइक मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाने वाली हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में नॉलेज है और पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं एक अच्छी टीचर कहलाऊंगी? क्या मुझे लेसन की क्लैरिटी है? डेफिनेटली नो, मुझे लेसन का तो सिर्फ एक टॉप सब टॉपिक का क्लैरिटी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही यहाँ पे पॉइंट कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर टीचर को उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की थोरो नॉलेज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के। सो इट इज़ अगेन एब्सोल्युटली ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लेसन क्लैरिटी। अ टीचर शुड फिनिश हिज और हर टास्क विद इन द गिवन टाइम इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। यहाँ पे बात कही जा रही है कि एक टीचर जो है उसको अपना पर्टिकुलर जो भी टास्क दिया गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहा है या उस सब्जेक्ट में कोई भी सब टॉपिक या टॉपिक को पढ़ाने जा रहा है, तो उस टॉपिक की प्रिपरेशन वो उसका टास्क हो गया और वो टास्क एक पर्टिकुलर टाइम जो उनको एक लिमिटेड टाइम दी गई है, वैलिड टाइम दिया गया है, उसमें उसको फिनिश कर देना चाहिए ताकि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सके। तो ये जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग को हम क्या कहेंगे? टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, या फिर हम ए और बी दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो डेफिनेटली टीचर अपने टास्क से कितना ज़्यादा ओरिएंटेड, अपने टास्क को पूरा करने में कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है, कितना ज़्यादा फोकस करता है ना? जो एक मान लो कि एक पर्टिकुलर लेट सपोज लेवल ऑफ टीचिंग मुझे पढ़ाना है आपको, और ये मुझे 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना है क्योंकि नेक्स्ट 1 आवर में मेरी क्लास है और उस क्लास में मुझे आपको लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से कंप्लीट करानी है। तो मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा टास्क है कि मुझे 1 आवर में लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, अपना टास्क फिनिश कर लेना है, ताकि मैं क्लास में जाकर आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, तभी तो मुझे आपके साइड से आउटपुट मिलेगा, लर्नर्स मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? तो ये क्या हो गया, मैं टीचर हूँ, मेरा टास्क है लेवल ऑफ टीचिंग जो कि एक सब टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसको 1 आवर में कंप्लीट करना है और मैं उससे ओरिएंटेड हूँ, मतलब मैं उसको कंप्लीट करने में पूरा अपना इंटरेस्ट लगा रही हूँ, अपना पूरा टाइम दे रही हूँ। तो ये मेरा हो गया टीचर टास्क ओरिएंटेशन, राइट? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव अ टीचर शुड हैव द कैपेबिलिटी दैट स्टेटमेंट 1 सेज टू मेजर हिज और हर स्टूडेंट सक्सेस, स्टेटमेंट 2 सेज शुड बी केपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपसे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए एक टीचर के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन से मैजिक्स होने चाहिए, आप ये कह सकते हो ये कि वो उसके पास ऐसे मेजर्स हों ताकि वो स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना सके, या फिर अपने स्टूडेंट के वीकनेस को एलिमिनेट कर सके, ख़त्म कर सके। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बताना है, राइट? सो करेक्ट विल बी नन ऑफ दीज क्योंकि बोथ आर ट्रू, ठीक है? ओके थोड़ा सा स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई है, मतलब स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो स्टेटमेंट 1 भी आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी आपका ट्रू है, ठीक है? मतलब उसकी कमियाँ, एक स्टूडेंट है वो मैथ्स में वीक है, अब वो उसकी वो वीकनेस है उसको वो एलिमिनेट कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल कर पा रहा है, राइट? बोथ द स्टेटमेंट्स आर कम्प्लीटली कोरिलेटेड टू ईच अदर, राइट? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे बोथ आर नॉट ट्रू होना चाहिए था, तभी हम इसको ये वाला स्टेटमेंट नहीं लगाते और ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। तो ये मैं आपको एडिट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग कैपेबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आपको फील भी नहीं हुआ होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस इतनी जल्दी से कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, राइट, ताकि हम और भी इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आते रहें। चलो तो 11th क्वेश्चन पे आगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग कैपेबिलिटी, मतलब टीचिंग मतलब जो टीच कर रहा है उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ट्रू। अ गुड टीचर इज वन हु इज अथॉरिटेरियन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अपना चलाने वाला एक तरीके से कि भाई मैं इस क्लासरूम में आ गया हूँ तो मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं सुनने वाला, लाइक दिस, क्या ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए टीचर में। अगेन अनदर स्टेटमेंट सेज अ गुड टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, लाइक क्लासरूम में आपने देखा होगा 9th 10th में कई सारे इंग्लिश में ड्रामास हुआ करते थे, राइट, क्यूटी पाई या फिर कई सारे किंग के ड्रामा हुआ करते थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 9th 10th में बहुत सारे मज़ेदार ड्रामा होते थे, मैं भूल गई हूँ तो मुझे याद करके बताए कमेंट बॉक्स में, राइट। सो टीचर्स क्या करते थे, पहले तो वो पूरे ड्रामा को वो पढ़ के बताते थे, उसके बाद जब क्लासरूम के स्टूडेंट्स बहुत बोर होने लगते थे तो जो भी उस ड्रामा के पार्टिसिपेंट्स हुआ करते थे, उस ड्रामा के किरदार हुआ करते थे, उन सभी के रोल्स स्टूडेंट को दे दिया जाता था, राइट, और फिर वो परफॉर्म करते थे तो वो पूरा ड्रामा भी उनको समझ में आता था, एक एक्टिविटी हो जाती थी क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम इंटरेस्टिंग भी हो जाते थे, राइट। तो उसके लिए टीचर को इंकरेज करना चाहिए, डेफिनेटली ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और वो कैसे होगा, अगर टीचर मजाक उड़ाएगा स्टूडेंट को तो क्या कोई स्टूडेंट आगे आना चाहेगा उन एक्टिविटीज़ के लिए, डेफिनेटली लो, उनको उनकी गलतियों से सिखाना चाहिए ना कि उनकी गलतियों को एम्फसाइज करना चाहिए, राइट, तो एनकरेज करना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट सेज अ टीचर शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, एक टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना ज़रूरी है, राइट। तो देखो टीचर कुछ ना कुछ हर टाइम पढ़ते रहता है ताकि वो अपने लर्नर को कोई नए तरीके से चीज़ें बताए, ऐसा नहीं टीचर को नॉलेज नहीं होती, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई सारे लोग कहते हैं ये बोरिंग भी है, कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, बट अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने के मैं नए मेथडोलॉजी को लर्न करती रहे तो क्या मैं एक लर्नर बन जाऊँगी, डेफिनेटली मैं एक लर्नर बन जाऊंगी, ताकि मैं आपको एक इफेक्टिव वे प्रोवाइड कर सकूं टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने का, ताकि मैं उसको मोर इंटरेस्टिंग बना सकूं, ताकि आपका इंटरेस्ट जागे, आप ज़्यादा पढ़ें, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए आप बिल्कुल सही सही कर कर आए। तो यस, टीचर को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। अ टीचर शुड कीप्स ऑन अपडेटिंग हिमसेल्फ कंटिन्यूसली, अब नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, उन गैजेट्स का यूज़ करके एजुकेशनल बैकग्राउंड को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा रहा है, और अगर टीचर उन गैजेट्स को नहीं सीखेगा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो वो लर्नर्स को कैसे सिखाएगा। तो हमेशा टीचर को अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, तो ये भी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाले प्रोसेस के अंदर ही आ जाता है, तो ये भी अप्रोप्रिएट है, ये भी अप्रोप्रिएट है, ये भी अप्रोप्रिएट है। ना 5th सेज ही मस्ट हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर टीचर थोड़ा मजाक करके थोड़ा सा मस्ती करके चीज़ों को बहुत सीरियस ना करके कैजुअल और डेली लाइफ से को रिलेट करके पढ़ाए तो क्या टीचिंग आसान हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, और हम बेहतर से पढ़ेंगे और हम चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में डरेंगे नहीं, इंटरेस्ट और बढ़ेगा, तो ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो 4th, 3rd, 4th, 5th भी होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर इसको एक तरीके से दिखाया जा रहा है एरोगेंट वे में, अथॉरिटेरियन वाली बात को, तो एक्सेप्ट वन ऑल आर करेक्ट, राइट, ट्रू, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द फैक्टर्स दैट आर नीडेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड व्हाट, टीचिंग एड्स को जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये वाला टीचिंग एड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहिए और ये पर्टिकुलर टीचिंग एड्स मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहिए, ऐसा होता है, मैथ्स की टीचिंग एड्स को यूज़ कर लेंगे हम साइंस में, या साइंस की टीचिंग एड्स को यूज़ कर लेंगे हिस्ट्री में, तो क्या तुक बन जाएगा, कुछ नहीं बन जाएगा, तो किन फैक्टर्स को लेकर हमें और चलना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया साइंस मैथ्स और हिस्ट्री करके, अभी यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ फैक्टर्स हैं टीचिंग एड्स के सिलेक्शन के लिए। सो
नेचर एंड साइज ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब अगर क्लासरूम कहाँ पर हो रही है, किस एनवायरनमेंट में हो रही है और स्टूडेंट्स कितने हैं क्लासरूम में, क्या ये दोनों चीज़ें टीचिंग एड्स के सिलेक्शन में कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता? ऐसा कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड सेज कॉस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स कितने कॉस्ट का है? अगर सस्ता होता तो बेहतर होता. क्या हम सस्ते और महंगे के टर्म्स में टीचिंग एड्स का यूज़ करें? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्या? थर्ड सेज गिविंग इम्पॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट मैटर. जैसे मैंने अभी आपको बताया साइंस का टूल हम यूज़ कर रहे हैं हिस्ट्री में, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. तो देखो थर्ड वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है. जब आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पर ये देखें कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? जब थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो कहाँ पर है थर्ड वाला ऑप्शन, ये देखना ज़रूरी है. तो थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर. यहाँ पे तो थर्ड को हटाया जा रहा है, राइट? यहाँ पर भी मेरा, यहाँ पर भी मेरा और यहाँ पर नहीं है. तो ये दो ऑप्शंस जो हैं, ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो आपको थर्ड ऑप्शंस को लेकर चल रहा है, राइट? अब एक बारी हम चेक कर लेते हैं फोर्थ को. यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ मैंडेटरी. मतलब इंटरनेट का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या ये सही है? बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स टीचिंग एड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें इंटरनेट नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, राइट? चार्ट का यूज़ कर सकते हैं हम. चार्ट को चलाने के लिए कौन सा हमें इंटरनेट की ज़रूरत है? ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो फोर्थ वाला जो है वो बहुत नीडेड तो नहीं लग रहा है, राइट? जब फोर्थ नीडेड नहीं लग रहा है तो ऑल ऑफ द अबव ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड. ये भी डिस्कार्डेड. सॉरी यस, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल एक्सेप्ट फोर्थ. यस, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है या फिर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि फोर्थ तो नहीं है. अब यहाँ पर ध्यान दो, नेचर और साइज ऑफ स्टूडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? हाँ, टीचिंग एड से कॉस्ट की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कही जा रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो ये तो गलत हो गया ना. हमें तो नीड की बात की जा रही है. अगर ऐसा लिखा होता नेचर एंड साइज ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब ये वाला आंसर हो जाता. बट क्योंकि यहाँ पर नॉट इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ टीचिंग एड्स एंड सब्जेक्ट मैटर को इम्पॉर्टेंस देना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है. सो बी विल बी योर राइट आंसर, राइट? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग रेफर्स टू व्हाट. अब मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है? टीचिंग में मैक्सिम्स किस बात को रेफर कर रहा है? द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग यूज बाय द टीचर. क्या मैक्सिम एक तरीके का टेक्निक है जो कि टीचर के द्वारा यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए? सेकंड सेज सम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग विच अ टीचर यूजेस ड्यूरिंग टीचिंग. कुछ टेक्निक्स जो कि टीचिंग के टर्म्स में हम यूज़ करते हैं जब भी टीचर पढ़ा रहा हो. थर्ड सेज क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब कि एक तरीके से क्लासरूम में इंटरेस्ट बनाए रखता है इन बिटवीन स्टूडेंट्स. सो मैक्सिम्स का मतलब ही यही होता है. ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टीचिंग बना सकें, राइट? आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड टू मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, ठीक है? मतलब कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस, दैट मीन्स कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से क्लोजली रिलेटेड है. आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं होता है टीचिंग के अंदर. मोटिवेशन, वे टीचिंग कर रहे हो मोटिवेशन आना ही आना चाहिए. एक्टिविटी ऑफ लर्निंग बाई डूइंग, डेफिनेटली. इंटरेस्ट, डेफिनेटली. लिंकिंग विद लाइफ. इनडेफिनेट एम, देखो इनडेफिनेट मतलब एम का कुछ अता पता नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट एग्ज़ाम में कुछ कमाल नहीं कर पाते, तो ये प्रिंसिपल नहीं है. रिकोगनाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ, हर एक पीपल के बीच में क्या डिफरेंस है वो रिकोगनाइज करने की पावर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है. एंड प्लानिंग. सो एक्सेप्ट फाइव, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि फाइव तो अपना है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इवेलुएशन सिस्टम्स इन एजुकेशन. फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज एफ ए. समेटिव असेसमेंट, दैट इज एस ए. तो आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा, मतलब कॉमनली हम कौन से इवेलुएशन सिस्टम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव.
सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ, दोनों का ही यूज किया जाता है इन जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है ये भी आप इस क्वेश्चन से सीख जाओगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग रॉन्ग है, राइट. सो इट इज़ गोइंग टू बी डन ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, डन आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, असाइंस द ग्रेड और कंसिडर्स द इवेल्युएशन एज अ प्रोडक्ट. सो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे इसका यूज़ करते हैं या फिर कोर्स कंप्लीशन के बाद. दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि ये दो स्टेजेस हैं और ये एक तरीके का असेसमेंट है, दोनों में से किसी एक स्टेज पे काम करेगा, क्लियर है. तो ये लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मल फॉर्मेटिव, राइट. तो ये लर्निंग प्रोसेस के टाइम पर किया जाता है. वन यहाँ पर होगा, वन यहाँ पर नहीं है, राइट. अब यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो ध्यान देना है, राइट. तो यहाँ पर नॉट ट्रू वालों का ग्रुप बनाया गया है. ऑल आर नॉट ट्रू नहीं हो सकता, ऑल आर ट्रू भी नहीं हो सकता, राइट. इन तीनों में से ही कोई होगा, क्लियर. अब देखो हमें नॉट ट्रू पे ध्यान देना है, तो नॉट ट्रू पे कौन जा रहा है, सेकेंड, राइट, मतलब सेकेंड विल बी योर आंसर. और फर्स्ट टू ट्रू है उसके रिगार्डिंग पे, तो ये नहीं हो सकता, मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है. अब चेक करते हैं कि थर्ड जाएगा इसके साथ कि फोर्थ जाएगा, राइट. रॉन्ग के टर्म्स में हमको देखना है, करेक्ट वाले को एलिमिनेट करना है. असाइंस द ग्रेड, फॉर्मेटिव असेसमेंट ग्रेड असाइन करता है. अब ग्रेड हम कब असाइन करते हैं, कोर्स के कम्प्लीशन के बाद असाइन करते हैं, तो ये तो फॉर्मेटिव का काम नहीं है, ये तो लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे करता है. फोर्थ को चेक करते हैं, कंसिडर्स इवेल्युएशन एज अ प्रोडक्ट, मतलब हम इवेल्युएट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो ये टाइम टू टाइम हो रहा है, प्रोडक्ट को हम चेक करते जा रहे हैं लाइक लर्निंग प्रोसेस में जैसे कर रहे हैं. तो फोर्थ एंड फर्स्ट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग असेसमेंट, बट हियर द क्वेश्चन आस्क अबाउट नॉट ट्रू. सो असाइंस द ग्रेड, अगेन नॉट ट्रू. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, मतलब कि कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन के टाइम पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, कब करते हैं, लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे करते हैं. और ये ग्रेड असाइन नहीं करते क्योंकि ग्रेड हम जब असाइन करते हैं जब क्या होता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए सेकेंड एंड थर्ड विल बी योर रॉन्ग. आगे बढ़ जाते हैं, समेटिव असेसमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक तरीके से कॉम्पिटिटर है, उसके अपोजिशन में थोड़ा काम करता है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा. तो मॉनिटर्स द लर्निंग प्रोसेस, क्या ये लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है. डन आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट, नॉट टू नहीं, ट्रू. तो यस, जो समेटिव है, समेटिव मतलब समराइजेशन, एंड समराइजेशन कब आता है, डन आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन. तो सेकेंड इज योर राइट आंसर. अगर सेकेंड आपका राइट है तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, एक्सेप्ट वन, ऑल पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है. चलो अभी हम यहाँ पर सेकेंड के टर्म्स में बात नहीं कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ग्रेड असाइन करता है. एब्सोल्यूटली जब कोर्स कंप्लीट होता है तो हम समराइजेशन के टर्म्स में ग्रेड असाइन करते हैं, मतलब सेकेंड एंड थर्ड आर एब्सोल्यूटली ट्रू. तो क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड, थर्ड कहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है. ऑल एक्सेप्ट वन ये पॉसिबल है, ऑल एक्सेप्ट फोर पॉसिबल है. तो एक बार ये हम यहाँ पे ये चेक कर रहे थे, कंसिडर एवेल्युएशन एज अ प्रोसेस, ये इवेल्युएशन की प्रोसेस की तरह लेके चलता है, इज इट ट्रू. वहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, तो यस इट इज़ अगेन एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएशन एक पूरे के पूरे प्रोसेस का हो रहा है, राइट. एक प्रोसेस हो चुकी है, अब हम उसको देखने जा रहे हैं. और फॉर्मेटिव में क्या होता था कि प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर रहे होते थे, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों के तीनों सही है. दैट मीन्स कि फर्स्ट गलत है, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग प्रोसेस, एंड लर्निंग प्रोसेस का पूरा काम फॉर्मेटिव का होता है, ना कि समेटिव का. सो एक्सेप्ट वन, ऑल आर ट्रू, सो डी विल बी योर राइट आंसर.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? कंसेप्ट मैप, मिड टर्म एग्जाम्स, क्लासरूम पोल्स, 1 मिनट एक्टिविटी, यूनिट टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट। अब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब एक प्रोसेस में काम चल रहा है, राइट? और समेटिव का मतलब जो कंप्लीट हो चुका है, एंड कंप्लीट का मतलब वी आर टेकिंग टेस्ट्स। तो कंसेप्ट मैप, मैप का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, मतलब ये एक प्रोसेस है, हम उसको लर्न करने जा रहे हैं, दैट मीन्स फॉर्मेटिव है ये, राइट? मिड टर्म एग्जाम्स, अब मिड टर्म एग्जाम्स जहाँ पे आ गए, अगेन इवेल्युएशन की बात हो रही है। मतलब मिड टर्म मतलब अगर कह लो हाफ ईयरली एग्जाम, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हाफ सिलेबस में आपकी कितनी नॉलेज है, हम उसको समराइज कर रहे हैं, इट इज समेटिव। तो सेकेंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड नहीं होगा, तो देख लो ये पॉसिबल है, यहाँ पे सेकेंड आ रहा है, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ऑल ऑफ द अबव भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आपके सामने क्लियरली आंसर है दो ऑप्शंस के थ्रू। अगेन थर्ड को चेक करो, क्लासरूम पोल्स, यस, ये क्या एक लर्निंग प्रोसेस है, इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा, बस एक पोलिंग हो रही है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। 1 मिनट एक्टिविटी, अगेन ये एक तरीके का प्रोसेस है, राइट? सो कंसेप्ट मैप, क्लासरूम पोल्स, 1 मिनट एक्टिविटी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। नाउ रिमेनिंग आर मिड टर्म एग्जाम्स, जहाँ पर एग्जामिनेशन की बात आ रही है, जहाँ टेस्ट हो रहा है, जहाँ फाइनल प्रोजेक्ट हो रहा है, समझ लो वो समेटिव असेसमेंट को बता रहे हैं, राइट? तो ये आपको एक सिंगल रिविजन पेज प्रोवाइड किया गया है, 16 पॉइंट्स हैं, 8 रिगार्डिंग फॉर्मेटिव एंड अनदर 8 रिगार्डिंग समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, इवेल्युएशन होती है लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन के टाइम पे, जब लर्निंग कर रहे हैं, और समेटिव तब होता है जब लर्निंग कंप्लीट हो गई है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के कम्प्लीशन के द्वारा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम क्या है, लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करना, वहीं समेटिव का काम है ग्रेड असाइन करना। फॉर्मेटिव क्या करता है, एक प्रोसेस की तरह इवेल्युएशन को लिया जाता है, और समेटिव क्या करता है, एक प्रोडक्ट की तरह इवेल्युएशन लिया जाता है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है वहाँ प्रीवियस स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पर जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो प्रोसेस की तरह इवेल्युएशन करता है, और ये देखो एक कोर्स है ना, वहाँ पे ये करेक्शन होगा, और यहाँ पर समेटिव जो एक प्रोडक्ट के टर्म्स में इवेल्युएट करता है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। देन एग्जाम्पल्स तो हमने बात कर ही ली है, फॉर्मेटिव के कंसेप्ट मैप, क्लासरूम पोल्स, 1 मिनट एक्टिविटीज़, देन समेटिव की बात करें तो मिड टर्म एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट, जो भी एग्जाम के टर्म्स में आर कम्स अंडर ऐसे, दैट इज समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मेन गोल ये होता है इम्प्रूवमेंट करना, लर्निंग के टाइम पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और समेटिव क्या होता है, ये प्रूव करता है कि भाई अब देखो एग्जाम, लाइक मान लो कि स्टूडेंट है, उसको एक पर्टिकुलर सब टॉपिक पढ़ाया गया या एक चैप्टर पढ़ाया गया, उससे टीचर ने पूछा बेटा आपको समझ में आ गया, उसने बोला यस मैम, बट वहाँ पर क्या हुआ, हमें श्योरिटी नहीं है, जब हमने एग्ज़ाम लिया तब प्रूव हुआ कि एक्चुअली उसने अच्छे से परफॉर्म किया, दैट मीन्स कि उसने उसे समझ में आया है, तो ये प्रूव देता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ हम लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए करते हैं, वहीं समेटिव का यूज़ हम करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया प्रूव करने वाली बात, तो ये परफॉर्मेंस को जजमेंट्स देती हैं। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे, लाइक डेली लेक्चर्स होना, एक्टिविटीज़ होनी, कम्स अंडर फॉर्मेटिव। समेटिव लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया जाता है, लाइक मंथली टेस्ट होता है, ईयरली टेस्ट होता है, क्वार्टरली टेस्ट होता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम लेकर चलता है स्टूडेंट को जानने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरीके से डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, वहीं समेटिव जो है इवेल्युएटिव इन नेचर होता है, मतलब वहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, राइट? देर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीचिंग, टीचिंग को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और हमने उस पर क्वेश्चन किए हुए भी हैं। आपको बताना है यहाँ पर 7 स्टेटमेंट्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट विच फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, राइट? टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, लर्नर मोटिवेशन, टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, टीचर्स सेल्फ एफिकेसी, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब आपको यहाँ पर बताना है टीचिंग को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, जो कि टीचर से रेलेवेंट होगा,
राइट. सो टीचर के इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्या ये इफेक्ट करेगा? एब्सोल्युटली करेगा. लर्नर के मोटिवेशन से क्या टीचिंग पे कोई इफेक्ट आएगा? लर्नर के बायो, जो टीचर है उसका बायोग्राफिकल डेटा, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या ये इफेक्ट करेगा? या जो टीचर है उसकी सेल्फ एफिशिएंसी, एफिकेसी कैसी है, वो इफेक्ट करेगा? या कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ में जो लर्नर है उनका इंटरेस्ट कैसा है, उससे क्या टीचिंग के फैक्टर में इफेक्ट आएगा? या फिर जो टीचर है उसकी मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग स्किल्स कैसी हैं, कितने अच्छे से वो मैनेज और मॉनिटर कर पा रहा है, ये इफेक्ट करेगा? या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर टीचर की नॉलेज कितनी है, वो इफेक्ट करेगा? देखो सेवेंथ स्टेटमेंट तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं इफेक्ट करेगा, करेगा ना, नॉलेज वाली बात आ रही है, राइट. तो ये देख लो, यहाँ पर आपका सेवेंथ काम कर रहा है. बट इफ वी टॉक अबाउट थर्ड, कि टीचर का लोकेशन क्या है, मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से गांव से बिलोंग करता है, ये तो इफेक्ट नहीं करेगा. या फिर लर्नर्स बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, वो लर्नर का इंटरेस्ट है कि नहीं, उससे किसी पर्टिकुलर टीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली नो, राइट. बट यस, लर्नर मोटिवेटेड है कि नहीं? अब एक टीचर है वो अपना 100% 200% दे रहा है, और लर्नर मान के बैठा है भाई मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, तो क्या उससे टीचिंग अफेक्ट होगी? एब्सोल्युटली होगी, राइट. फर्स्ट, लर्नर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि सॉरी टीचर्स, मतलब टीचर कैसे क्लास को मैनेज कर रहा है, टीचर कैसे क्लासरूम को कंट्रोल कर रहा है, पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से समझा रहा है, एवरीथिंग कम्स अंडर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट नहीं करेगा? बायोग्राफिकल डेटा टीचर का और लर्नर के को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट. टीचर्स की सेल्फ एफिकेसी करेगी, मैनेजिंग मॉनिटरिंग भी करेगी एंड नॉलेज भी करेगी. सो सी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? इट मीन्स टीचर शुड बी पेशेंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अब एक टीचर है, उसने सोच लिया है क्या कि आज मैंने 30 मिनट की क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट कराना है, वो ऐसा सोच के आया. बट वहाँ पर उसने देखा कि लर्नर्स जो हैं उनका इस सब्जेक्ट पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा है. दो टीचर्स हैं, एक का मोटिव ये है कि मैंने 30 मिनट में कंप्लीट करना, और एक टीचर है जिसका ये है कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ाना है, चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए. तो ये जो बी वाला है, सेकंड वाला टीचर है, वो पेशेंस है, ठीक है, उसके पास पेशेंस है, वो टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा कि मुझे अपने इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, वो नॉलेज को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि मुझे अपनी नॉलेज को स्टूडेंट तक डिलीवर करना है, भले मुझे एक और एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए, राइट. तो ही शुड बी पेशेंस, ठीक है. तो फर्स्ट वन आंसर हो गया आपका. सेकेंड, इट मीन्स अ टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अब देखो, क्लासरूम में देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स सीरियस पढ़ने वाले हैं, कुछ मस्ती और पढ़ाई दोनों करने वाले हैं, और कुछ सिर्फ मस्ती करने वाले हैं. अब तीनों की केसेस में टीचर को लेकर एक मॉडरेट वे में ही एक्ट करना है, राइट, ताकि वो तीनों को ही साथ में लेकर चले. तो उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा डिफरेंट माहौल में. डेफिनेटली दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है रिगार्डिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. एज देयर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, एग्जैक्टली इन द सेम वे देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड मैनेज. जैसे आपने देखा कि टीचिंग को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसी तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं. आपको बताना है इनमें से कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं ताकि हम लर्निंग के एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकें. फर्स्ट, कल्चरली अप्रोप्रिएट कंटेंट. सेकेंड, रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट पास्ट इन अकॉर्डिंग्स टू नॉलेज एंड रेलिवेंस इन रियल लाइफ. थर्ड, इज अ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज लाइट स्पेस टीचिंग एड्स.
सो कौन सा आपका करेक्ट होगा? डेफिनेटली तीनों के तीनों करेक्ट हैं। देखो, जो कल्चरली अप्रोप्रिएट कंटेंट का यूज़ किया गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई गई, तो लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर ही होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, एंथुजियाज्म बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी। अब कोई स्टूडेंट है जिसने कि वही पर्टिकुलर टॉपिक पहले पढ़ा था, उसको कभी समझ में नहीं आया, दोबारा से एक नए अप्रोच के साथ पढ़ा उसने तो समझ में आया, तो हम मतलब पास्ट के कॉन्टेक्स्ट को लेकर अगर हम चीज़ों को मतलब रिलेट करें, रियल लाइफ से रिलेट करें, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, तो वो भी लर्निंग एनवायरनमेंट को अच्छा बनाती है। और एक तरीके का साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब वहाँ पे लाइटनिंग का यूज़ किया गया, कुछ स्पेस टीचिंग एड्स का यूज़ किया गया, तो ऑटोमेटिकली गुड लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का यूज़ करें टीचिंग के लिए ताकि लर्निंग इम्प्रूव हो, ऑप्टिमाइज हो? लेक्चरिंग, डिस्कशन, सेमिनार मेथड, ये तीनों ग्रुप्स, या फिर इंटरैक्टिव डिस्कशन, प्लान्ड लेक्चर्स, पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन, या फिर इंटरैक्टिव लेक्चर सेशंस फॉलोड बाय बज सेशन, ब्रेनस्टॉर्म और प्रोजेक्ट्स, या फिर लर्निंग डेमोंस्ट्रेशंस, पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्टिव लर्निंग लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है? और वहाँ पर इंटरैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? बजर सिस्टम रख लो सेशन के अंदर, कि भाई मेरे को आंसर आता है, मैं पहले आंसर दूंगा, कम से कम उस चीज़ के कारण तो लोग क्लास में अटेंटिव होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट्स क्लासरूम में करवाओ इंटरैक्टिव लेक्चर सेशंस के साथ। सो सी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग? अब आपको बताना कॉग्निटिव प्रोसेस इनमें से कौन सा है, राइट? सो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों के तीनों कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आते हैं। मेमोरी की अगर बात करें वहाँ पर भी आप कॉग्निटिव प्रोसेस को लेकर चल सकते हैं, अटेंशन को एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, कॉमेंट करके मुझे बताइए आप लोग भी कि वॉट इज़ कॉग्निटिव प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स यूज बाय अ टीचर टू मेक द क्लास इंटरैक्टिव? इसमें से कौन सा प्रॉपर टीचिंग टेक्निक है? लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, या फिर इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी, ग्रुप वर्क, इंटरैक्टिव लेक्चर, या फिर सेल्फ स्टडी, ग्रुप वर्क? पहली बात तो ये है कि प्रॉपर टीचिंग टेक्निक की बात की जा रही है। टीचिंग टेक्निक में ग्रुप वर्क नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं होता, सेल्फ स्टडी इज ओनली डन बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। देखो, लेक्चर होना ज़रूरी है, लेक्चर को इंटरैक्टिव लेक्चर बनाना ज़रूरी है, एंड ग्रुप वर्क होना ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर भी सेल्फ स्टडी आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है? तो लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर एंड ग्रुप वर्क, दीज थ्री आर द प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स यूज बाय अ टीचर टू मेक द क्लास इंटरैक्टिव, राइट? और सेल्फ स्टडी की बात करें तो वहाँ पर टीचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, डैश इज और आर लर्निंग मेथड वेयर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू टीचर एंड स्टूडेंट, हियर इज एन एक्टिव लर्नर, राइट? अब आपको बताना है कि वो कौन सा लर्निंग मेथड है जहाँ पर टीचर के कंपैरिजन में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव लर्नर कहलाते हैं। तो डिस्कशन मेथड, बज सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड, या फिर प्रोजेक्ट मेथड, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली फोर, प्रोजेक्ट मेथड ही ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन लर्नर का होता है, टीचर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। डिस्कशन में क्या होता है, टीचर डिस्कस करने के लिए हो सकता है, बज सेशन में टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तभी स्टूडेंट आंसर बजर करके दे रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी एक स्टूडेंट ही है जो टीचर से अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है, प्रोजेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। अ टीचर इज द वन हु विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एज ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर द डिमांड ऑन द टीचर। जितना ज़्यादा हैंडीकैप होते जाएंगे स्टूडेंट्स एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन में उतने ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है. एब्सोल्युटली इट इज़ करेक्ट, राइट. या फिर जितने ज़्यादा हैंडीकेप अगर स्टूडेंट बढ़ता जाएगा हमें उतने ही कम टीचर की डिमांड पड़ेगी? नो. अगर जितना ज़्यादा हैंडीकेप स्टूडेंट है हमें उतने ज़्यादा टीचर की भी ज़रूरत है, तो लेसर वाली बात तो बनती नहीं है. फर्स्ट होगा बट सेकेंड नहीं होगा, राइट. तो सेकेंड नहीं होगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा. ऑल एक्सेप्ट थ्री बी सेकेंड हो नहीं सकता. यहाँ पे भी ऑल एक्सेप्ट फोर मतलब कि सेकेंड हो सकता है ये कह रहे हैं. ऑल आर ट्रू नहीं पॉसिबल है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द पॉसिबिलिटी. थर्ड को चेक करते द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अगर जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा टीचर की डिमांड भी बढ़ेगी. बट सेकेंड फोर्थ में ये कह रहा है कि स्टूडेंट कितने बढ़ जाए टीचर का डिमांड जो है वो सेम ही रहेगा, उनके डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. तो गलत है, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर. टीचिंग इंश्योर्स पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स. टीचिंग अगर की जा रही है इसका मतलब कोई स्टूडेंट लर्न कर रहा है टीचर के थ्रू, इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आएंगे. क्यों आएंगे? विद द हेल्प ऑफ टीचिंग अ स्टूडेंट, मतलब कैसे आएंगे? क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या टीच किया जाता है? एक्वायर्स गुड हैबिट्स. एक टीचर एक स्टूडेंट को अच्छी हैबिट्स को लेना सिखाता है, अडेप्ट करना सिखाता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स. तो क्या इनमें से कोई एक चीज़ ही प्रोवाइड कर रहा है? डेफिनेटली नो. ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द टीचर. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट वन ऑफ द सेम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स. मतलब इनमें से कौन है जो कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स, राइट? अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स कौन से नहीं हैं. टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेसेस. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टूडेंट के टर्म्स में टीचर को क्या क्या चीज़ इवेल्युएट करनी चाहिए. क्या उसके वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना इम्पॉर्टेंट है? नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट. टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली. टीचर्स टीचिंग को स्टूडेंट के सामने सीरियसली बताए कि भाई वो उसको, मतलब टीचर्स जो है उनको बहुत सीरियस वे में टीचिंग करनी चाहिए. टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेशन मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के लिए नए नए मेथडोलॉजी यूज़ करना, इनोवेशंस यूज़ करना. और टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेट्स. सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन. ये एक ऑप्शन ऐसा है जो कि मेन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है. हमें स्टूडेंट के वीकनेसेस को गैदर करके क्या करना है? हाँ, स्टूडेंट के वीकनेसेस को ओवरकम करना है, बट उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके क्या करना है वो तो बिल्कुल भी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, है ना. हाँ, टीचिंग सीरियसली हो, इनोवेशंस होने चाहिए, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हो टीचर ट्रेट्स में, वो सब एरियाज फाइंड आउट करना, ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज़ एन अप्रोच टू रिसर्च इन डिफरेंट कम्युनिटीज दैट व्हाट दैट डू. पार्टिसिपेटरी रिसर्च एक तरीके की टीचिंग का एक पार्ट है. ये क्या रिकोगनाइज करता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में? इट रिकोगनाइजेज नॉलेज एज अ पावर, या फिर एम्फेसाइज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, या फिर एक तरीके का कलेक्टिव प्रोसेस है इंक्वायरी का, या फिर इट्स सोल पर्पज इज़ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. अब आपको ये बताना है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये नॉलेज को पावर की तरह रिकोगनाइज करता है कि नॉलेज है आपके पास, मतलब आपके पास सारे पावर्स हैं. पीपल को एक एक्सपर्ट की तरह एम्फोसाइज करते हो, क्योंकि अगर वो कोई पीपल नॉलेजेबल है तो वो पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट हो सकता है. इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. कैसे कोई भी चीज़ की जानकारी ले उसका एक कलेक्टिव प्रोसेस है पार्टिसिपेटरी रिसर्च, बट इसका सोल पर्पस प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज नहीं होता, राइट. सो फोर्थ को छोड़ के तीनों के तीनों हैं. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द डैश. इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल फैक्टर है जो कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है? अगर टीचिंग अच्छा होगा, खराब होगा, जो भी होगा, इससे रेलेवेंट है.
सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और ऑल ऑफ द अबव। क्या इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी सोसाइटी का एक पावरफुल फैक्टर है? वन ऑफ द पावरफुल फैक्टर की बात की जा रही है, राइट? सो एजुकेशन सिस्टम ही तो टीचिंग इफेक्टिवनेस से रिलेवेंट करेगा। हमारा समाज कैसा है, सोशल सिस्टम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है सोसाइटी का, डजेंट इफेक्ट। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वही टीचिंग इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। अब आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना कौन से ट्रू है। प्रोजेक्ट मैथड इज स्टूडेंट सेंटर्ड। प्रोजेक्ट मैथड हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट एंड टॉपिक्स। MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मस्ट बी यूज फॉर स्लगिश स्टूडेंट्स। MCQs मस्ट बी यूज फॉर वीक स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अब आपको बताना कौन सा ट्रू है। देखो, प्रोजेक्ट मैथड जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसमें टीचर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी एक प्रोजेक्ट मेथड पे क्वेश्चन करवाया था। दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका ट्रू है। फर्स्ट कहाँ कहाँ पर है, यू कैन सी नन ऑफ देम ट्रू नहीं हो सकता, यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता। बी आपका नहीं हो सकता करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट आपका ट्रू है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड को चेक करते हैं। प्रोजेक्ट मैथड हेल्प्स स्टूडेंट टू बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट एंड टॉपिक। बिल्कुल, प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड है, और अगर कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट मेथड अप्लाई करता है तो उससे उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और द कंसेप्ट ही इज गोइंग टू लर्न, राइट। तो अगेन सेकेंड भी करेक्ट है। जब सेकेंड भी करेक्ट है, दैट मीन्स अगेन ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। बट फोर्थ एंड थर्ड जो है यहाँ पर एक तरीके से डिसाइडिंग स्टेटमेंट है, राइट। MCQs मस्ट बी यूज फॉर स्लगिश स्टूडेंट या फिर वीक स्टूडेंट जिनको स्पेशल नीड्स है। सो गाइज, स्लगिश स्टूडेंट्स मतलब ये होते हैं जो कि खड़ी बोली बोलते हैं, राइट, जो कि प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बहुत ही लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो उनके लिए नहीं, वीक स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट बहुत ही, जैसे लाइक मान लो कि मैंने अभी आपको कई बार एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर आप कोई कंसेप्ट को नहीं पढ़ पा रहे, आपको वीक फील हो रहा है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, आप उसके बहुत सारे MCQs बना लो। तो इससे क्या है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। मतलब जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में वीक है और उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पर MCQs की ज़रूरत है, ना कि स्लगिश स्टूडेंट्स के लिए। सो सी विल बी योर राइट आंसर। Dash is or our umbrella term stands for all those undesirable and unsocial behavior of a child or youth minor in age capable of being adjusted as a punishable offense or crime as per provisions of the Indian Penal Code. आपको बताना है कि इनमें से किसका ये particular definition है। Juvenile delinquency, backward children, gifted children, mentally retarded children. बात यहाँ पर क्या हो रही है, ये एक तरीके का umbrella term है। वो सभी के सभी अनडिजायरेबल एंड अनसोशल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट और चाइल्ड, ठीक है, जो कि आपको अनसोशल और अनडिजायरेबल लग रहे हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, फालतू की बनी हुई है, राइट। और इसके ऊपर IPC के अंतर्गत ऑफेंसिबल भी माना जाता है, राइट। दैट इज़ योर जुविनाइल डेलिक्वेंसी, राइट। बैकवर्ड चिल्ड्रन का मतलब होता है जिनको कास्ट के बिहाफ पे बैकवर्ड कहा गया है। गिफ्टेड चिल्ड्रन को होता है जिनके पास गॉड गिफ्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि बाय बर्थ उनको मिली होती है। मेंटली रिटार्डेड मतलब जो कि दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। बट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ऐसा है जिसमें IPC के तहत कुछ अनडिजायरेबल और अनसोशल बिहेवियर किए जाते हैं चाइल्ड और यूथ के साथ, ठीक है, वो आ जाता है आपका इसके अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ओनली वन, विल बी द राइट आंसर। Which of the following is the appropriate purpose of using teaching aids? Teaching aid को use करने का सबसे important purpose कौन सा है? To make the lessons interesting, to capture the students' attention, to enhance the access of technology's resources, technological resources, or to optimize learning outcomes. सबसे ज़्यादा appropriate कौन होगा? Definitely option number D. क्लास को इंटरेस्टिंग बना रहे हो, लेकिन बच्चे वहाँ पर सिर्फ क्लास के इंटरेस्ट को देख रहे हैं, नॉलेज को नहीं।
तो वहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा पर्पस डाउन हो गया। स्टूडेंट अटेंटिव है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वे ऑफ टीचिंग एड्स के ऊपर अटेंटिव हैं, कंसेप्ट पे नहीं। अगेन थोड़ा सा पर्पस डाउन हो गया। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने के लिए हम नहीं यूज़ करते टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एड्स का, हम क्यों यूज़ करते हैं, लर्निंग रिजल्ट निकल कर है। मतलब जितने भी क्लास में पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स लर्नर्स हैं वो सब कुछ सारे के सारे को सारा नॉलेज मिल सके। डैश इज अ टीचिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कमिंग टुगेदर फॉर द डिस्कशन एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टॉपिक्स। अब आपको बताना है इसमें से कि वो कौन सा टीचिंग मेथड है जहाँ पर हम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं, लर्न करते स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टॉपिक्स का, डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड डिस्कशन और सेमिनार मेथड। सो इट इज़ सेमिनार मेथड। सेमिनार में क्या होता है, हम टेक्निक्स एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आगे हमें और क्या करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको एक एक्सक्लूसिव नॉलेज देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। विच स्टेटमेंट इज़ अप्रोप्रिएटली ट्रू, देर आर थ्री स्टेटमेंट्स बेसिकली, यू हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दीज थ्री स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दिस फाइव ऑप्शंस, राइट। ट्रू बताना है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है ये आपको देखना है पहले तो। इज़ वेयर द इंस्ट्रक्टर एक्चुअली परफॉर्म एन ऑपरेशन और टास्क, ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर होगा वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन और टास्क परफॉर्म करेगा एंड स्टूडेंट को बताएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। दिस इज़ वॉट डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ का डेमो देना, इंट्रोड्यूस कराना। इज इट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, लेक्चर मेथड इज अ फॉर्मल और अ सेमी फॉर्मल मेथड इन विच द इंस्ट्रक्टर गिव्स ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक जस्ट बाय डिक्टेटिंग। यस, लेक्चर मेथड में यही होता है कि एक फॉर्मल तरीका होता है पढ़ाने का जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होगा और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको ओवरव्यू देगा डिक्टेट करके सिंपली। समटाइम्स हम कहते भी लेक्चर्स बोरिंग होते हैं, राइट। सो दिस इज द वे इट इज़। नाउ डिस्कशन मेथड इज अ मेथड इन विच सॉल्यूशंस आर डेवलप्ड बाय डिस्कसिंग विद इन अ ग्रुप। डिस्कशन में ग्रुप के हिसाब से ही काम होता है, राइट। सो कौन सा ट्रू है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है तीनों के तीनों ट्रू है। ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट वाला गलत है और बाकी ट्रू है, तीनों के तीनों अप्रोप्रिएटली ट्रू है। सो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। देयर आर मैनी लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अ लर्नर, ठीक है, लर्नर के कई सारे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। किनेस्थेटिक स्टाइल इज वन ऑफ देम वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू वॉट। अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टाइल में किस तरीके से लर्निंग होती है, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और इट कैन बी कैरीड आउट बाय फिजिकल एक्टिविटीज़, या फिर दोनों ही पॉसिबल है या फिर नन ऑफ देम। सो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है जो कि एक फिजिकल एक्टिविटी को बताता है, बॉडी के मूवमेंट को भी हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। सो वेदर लर्निंग कैन बी डन बाय मूवमेंट ऑफ बॉडी और carrying out physical activities, both are same. So both of them concludes kinesthetic style. So option C will be the right answer, right? Match the following. There are again learning styles are given there and aapko learning style ke regarding unki sahi definition find out karne hai. Solitary style kya hota hai, visual style kya hota hai, oral style kya hota hai, wo aapko yahan pe find out karna hai, right? सो विजुअल से देखो, जब आपको है ना और बाकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, नॉलेज नहीं है, बट विजुअल तो आपने देखा हुआ है, मतलब विजिबल की बात हो रही है, विजिबल्स हम यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग थ्रू सेल्फ स्टडी इज़ करेक्ट? नो, लर्निंग थ्रू पिक्चर्स एंड इमेजेस, एंड पिक्चर्स एंड इमेजेस आर विजुअल स्टाइल। सो सेकेंड का सेकेंड मैच हो रहा है एंड अगर आपको एक का आंसर मिल रहा है तो बाकी का भी मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो सेकेंड का सेकेंड एक तो यहाँ पॉसिबल है और एक यहाँ पॉसिबल है और ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके हो जाते हैं एलिमिनेट, राइट। अब हमें यहाँ से एक बात पता लग रही है कि किसी एक का आंसर मिला तो हमें और बाकी भी मिल जाएगा। ओरल स्टाइल का मतलब होता है ऑडियो, साउंड एंड म्यूजिक, लर्निंग यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक। सो यस, थर्ड का थर्ड इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। एंड सॉलिटरी स्टाइल मतलब सोल, सोल मतलब सेल्फ।
सो सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर पढ़ रहे हो तो सॉलिटरी स्टाइल. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन. मतलब इंस्ट्रक्शन देने का एक इफेक्टिव सप्लीमेंट माना जाता है टीचिंग एड्स. अगर उसका यूज़ करते हैं आप तो आपका जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो और भी बेहतर हो जाता है. बट क्यों? विद दी हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स टीचिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट एज अ बेस्ट पॉसिबल मैनर विदाउट मेकिंग मच एफर्ट विद टीचर टीचिंग स्किल्स ऑफ अ टीचर. इज इट ट्रू? डेफिनेटली अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, इसके हेल्प से आप बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हो अपने स्किल्स के साथ साथ, वो भी ज़्यादा एफर्ट्स दिए बिना. देन लाइक मान लो कि आप एक कंसेप्ट समझाना चाह रहे हो और आपने एक वीडियो प्ले करते हो और वीडियो के प्ले करने उस वीडियो में आपने एक छोटी सी स्टोरी दिखा दी जो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बता रहा है, तो टीचर को इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना उस वीडियो ने उन बाकी स्टूडेंट्स को चीज़ें समझा दें. तो हो गया ना, कम एफर्ट लगा लेकिन टीचिंग एड का यूज़ करके चीज़ें बेस्ट हो गई. तो फर्स्ट ट्रू है. टीचिंग कीप्स द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर. द माइंड ऑफ द स्टूडेंट डाइवर्टेड इन ऑब्जर्विंग द वेरियस टीचिंग एड्स लाइक प्रोजेक्टर्स, स्लाइड्स, टेप्स एसेट्रा एंड देयर इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड अप टू बाय एन एक्सटेंट. तो और बाकी जो एक्टिविटी वो कर रहे होते क्लास में इररेलेवेंट, वो सारी एक्टिविटी डाइवर्ट हो जाती है वो प्रोजेक्टर्स देखने में. अच्छा, ऐसे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, स्लाइड्स, टेप्स, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, राइट. लेकिन यहाँ पर बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुड ह्यूमर की बात हो रही है. तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? वो कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाएंगे, राइट. बट बेसिकली टीचिंग एड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ें समझा सकें. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. इन ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयड, सॉरी इफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयड विद द इंटरैक्टिव लर्न लेक्चर देन इट कैन बी एन आइसिंग ऑन द केक. विच ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स? मतलब अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्रोजेक्ट्स वाला जो आपका ऑप्शंस है, ये दोनों चीज़ें इंटरैक्टिव लेक्चर के साथ डालें तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, राइट. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है एन आइसिंग ऑन द केक. तो पहले क्या करना चाहिए इंटरैक्टिव लेक्चर के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर प्रोजेक्ट्स? ये बात कही जा रही है. फर्स्ट कह रहे हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरीके का मेथड होता है टीचिंग का, जहाँ पर हम ज़्यादा एफर्ट्स किस बात पे लगाते हैं? मेड फॉर फाइंडिंग कंक्लूजन बाय गैदरिंग लॉट्स ऑफ आइडियाज बाय स्टूडेंट्स. मतलब वहाँ पर स्टूडेंट से इतने क्वेश्चनिंग किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक को कितनी गहराई तक जान चुका है और कितना उसको जानने की ज़रूरत है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लास. यू गे ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड देन प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है. प्रोजेक्ट इज गिवन टू द स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट विल लर्न बाय डूइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर. बट बताना आपको ये है कि इंटरेक्टिव लेक्चर के बाद पहले कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर प्रोजेक्ट? तो पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए देन प्रोजेक्ट, ठीक है. ब्रेन स्टॉर्मिंग से आइडियाज़ निकल कर आएंगे एंड प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी. सो ए विल बी द राइट आंसर. विच स्टेटमेंट और इज और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? स्पीकिंग स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्न लिसनिंग. स्पीकिंग ज़्यादा लिसनिंग से इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड, लिसनिंग गेट्स अफेक्टेड बाई लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग पुअर लिसनिंग एबिलिटी, too much information shared at one time, noise, poor concentration or listening skills etc. So which of the following is true or are true? So आप यहाँ पर देख सकते हैं speaking ज़्यादा important है कि listening? Definitely listening. कहते हैं ना we should be a good listener. अगर हम ठीक से सामने वाले की बात या question को नहीं सुनेंगे, हम क्या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर स्पीक कर पाएंगे? स्पीक मतलब रिस्पॉन्स देना, क्या दे पाएंगे? नहीं. तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, ट्रू नहीं है. सेकंड कहता है जो लिसनिंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण अफेक्ट होता है, मतलब हम सही नहीं सुन पाते. कई बार ऐसा होता है हम सही नहीं सुन पाते और रिजल्ट गलत दे आते हैं. होता है लाइक कोई किसी की तारीफ कर रहा है, हमने उसको गलत वे में सुन लिया और हमने उसको जाकर सुना दिया. तो ये भी एक तरीके की लिसनिंग प्रॉब्लम है. तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आती है पुअर लिसनिंग एबिलिटी, आपके पास सुनने की सही क्षमता नहीं है,
मतलब कान में प्रॉब्लम है आपके, या फिर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे दे दिया जाए तो आप किसको सुनो किसको ना सुनो, चार से पांच लोग एक टाइम पे बोल रहे हैं और आपको चारों के पाँचों की इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, तो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होना, और उस टाइम पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन रहे हो तो नहीं सुन पाओगे, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है या आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है. तो यस इट इज़ ट्रू राइट. सो सेकेंड वन इज़ ट्रू बट फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग बिकॉज लिसनिंग स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीकिंग राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्मेशन इन समेटिव इवेल्युएशन. सो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज वेरी लिमिटेड एज कम्पेयर टू समेटिव इवेल्युएशन. मतलब फॉर्मेटिव बहुत लिमिटेड होता है. फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज डन एट द टाइम ऑफ टॉपिक और प्रोग्राम इज बीइंग टॉट. कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ाई जा रही है दैट टाइम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है. इफ ए समेटिव इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स एंड हेल्ड एट द एंड ऑफ द टर्म. यस समेटिव मतलब समराइजेशन एंड पे होता है और जब कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है अंडर प्रोसेस है देन वो फॉर्मेटिव होता है. एंड येस फॉर्मेटिव थोड़ा सा लिमिटेड होता है अगर हम बात कर लेते हैं समेटिव के टर्म्स में. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट. सो डी विल बी द राइट आंसर. टीचिंग इज द सेम एज डैश. टीचिंग किसके जैसा है, ट्रेनिंग के जैसा है या लर्निंग जैसा है या दोनों ही जैसा है? और बहुत सारे लोग इसका आंसर बोथ लगा कर आते हैं. सो गाइस टीचिंग का मतलब ट्रेनिंग नहीं होता. ट्रेनिंग मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स को ट्रेन कर रहे हो जिस पे आप वर्क करने वाले हो. बट जो टीचिंग है वो एक तरीके का लर्निंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच. जब हम पढ़ाते हैं उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन और कंडीशनिंग के टर्म्स में कौन सा पॉइंट यहाँ पे ट्रू है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच. जब हम पढ़ाते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको कंडीशनिंग करना, क्या वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है? बोथ आर सेम. या फिर दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है या फिर दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा ही डिफरेंस है, वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सो गाइस दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है गलत बात है. इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, या फिर एक बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है वो भी सिचुएशन पे है. तो सेकेंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर. दैट मीन्स एक्सेप्ट वन ऑल आर ट्रू. विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और अ ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग इज अ टास्क वर्क एंड टीचिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट लर्न इम्प्रूव देयर बिहेवियर. लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्क. सो टीचिंग मतलब एक टास्क है, पहले भी बताया एक टास्क ओरिएंटेशन है जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपको अपना पर्टिकुलर काम कम्प्लीट कर लेना है ताकि आप क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें. सो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. लर्निंग एक तरीके का अचीवमेंट है. जब आप कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर टॉपिक टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप बिल्कुल उसी वे में पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो वो एक अचीवमेंट कहलाती है एब्सोल्युटली. सो फर्स्ट एंड थर्ड आर एब्सोल्युटली ट्रू. टीचिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट लर्न इम्प्रूव देयर बिहेवियर. ताकि स्टूडेंट पढ़ ले और अपने बिहेवियर को बेहतर बना सके. तो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, तीनों के तीनों ट्रू हैं. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. वन में टीच डैश लर्निंग टेकिंग प्लेस. अब यहाँ पे बताना वन में टीच विद लर्निंग टेकिंग प्लेस. मतलब कोई एक पर्सन है जो पढ़ा रहा है वो लर्निंग के साथ साथ पढ़ा सकता है या फिर विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस या फिर दोनों ही पॉसिबल है. सो वन में टीच विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस. क्यों? क्योंकि इट इज़ द वर्क ऑफ अ टीचर टू टीच. पढ़ाना टीचर का काम है लेकिन लर्निंग जो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे टीचर पढ़ा रहा है एट द सेम टाइम पे हर एक स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहा है? डेफिनेटली नो. वो तो डिपेंड करता है लर्नर के ऊपर. टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करना है. सो जब टीचिंग हो रही हो तो विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस पे भी टीचिंग की जा सकती है राइट. यही पॉइंट है यहाँ पे. अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट एग्जाम्पल्स एसोसिएटेड. रीडिंग एंड लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल्स हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, या फिर रीडिंग एंड लिसनिंग प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, या फिर टीचिंग और राइटिंग रिसेप्टिव स्किल्स हैं. ये आपको करेक्टली बताना है. रिसेप्टिव मतलब जिसको हम रिसीव करते हैं, सब सुनते हैं. तो रीडिंग कोई चीज़ को रीड करना, आर वी रिसेप्टिव रिसीविंग इट.
लिसनिंग, क्या हम उसको रिसीव कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से समझो, प्रोडक्टिव मतलब जिससे रिजल्ट निकल के आ रहा हो. सो गाइस, रीडिंग और लिसनिंग रिसेप्टिव होता है, राइट? क्योंकि हम रीड कर रहे हैं तो अगेन कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं और हमने रिसीव किया उसको अपने माइंड में. किसी ने कुछ बोला और उसको हमने सुना, लिसन किया, रिसीव किया. अगेन स्पीक करना, बोलना और राइट करना, वो हम रिजल्ट दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, तो कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं. सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू. विच टीचिंग अप्रोच यूजिंग ओनली गेस्चर्स एंड मूवमेंट्स टू कन्वे मैसेज, मतलब कौन सा यहाँ पर टीचिंग अप्रोच है जहाँ पर हम गेस्चर्स मतलब कि कुछ एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं और मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए. ग्रामर ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर हमें कोई भी गेस्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं, मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं. लेक्सिकल, अगेन ग्रामर से ही जुड़ा हुआ है. टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जब मूवमेंट की बात हो रही है, गेस्चर की बात हो रही है, मतलब कि हम एक तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएचर्स क्रिएट करके काम कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, तो ये फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया. एंड मिम्स का मतलब भी होता है फिजिकल रिस्पॉन्स देना. तो थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. देयर आर मेजर अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, बड़े बड़े. डायनेमिक और स्टैटिक भी उनमें से एक है. तो डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग क्या कंक्लूड करता है? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल और इफेक्टिव, टीचर शुड बी एनर्जेटिक और डायनेमिक, द टॉपिक शुड बी स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक, या फिर स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज. डेफिनेटली डायनेमिक का मतलब होता है डिफरेंट वेज, एंड डिफरेंट वेज कैन बी टॉट थ्रू एक्टिविटीज ओनली. सो स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, दैट इज डायनेमिक अप्रोच, राइट? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, वट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास? अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर जो स्टूडेंट देख नहीं सकते हैं, विजुअली चैलेंज्ड है, उनके साथ साथ नॉर्मल स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हो, दोनों तरीके के स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप किस तरीके से ट्रीट करोगे उन विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को? नॉट गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफ़र. तो क्या जो विजुअली चैलेंज है उनको आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे आंसर करने का? रॉन्ग. टेक केयर ऑफ हिम सिंपथेटिकली इन द क्लासरूम, उनके साथ सिंपथी दिखाओगे सिर्फ, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी फिर तो. यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हैंस यू कॉन्ट डू एनीथिंग. या फिर अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम. डेफिनेटली आप उनको पढ़ाने की कोशिश करोगे, उनको फ्रंट रो में बिठाओगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट कर सके क्लास में. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये 50th क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड, इनमें से कौन है जो प्रोजेक्टेड एड नहीं है? दैट इज़ ब्लैक बोर्ड, बिकॉज ब्लैक बोर्ड आपका नॉन प्रोजेक्टेड एड होता है. देखो, दो तरीके के एड्स होते हैं. प्रोजेक्टेड एड्स मतलब कि विजुअल इंस्ट्रक्शनल एड डिवाइसेज, जिनको हम देख, जिसके थ्रू हम विजुअली काम करते हैं, देख के कर सकते हैं, जो कि प्रोजेक्टर के यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, राइट? और ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ये सारे नॉन प्रोजेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ पर हम सिंपली प्रेजेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं. तो ब्लैक बोर्ड उनमें से एक हो गया, राइट? सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. अगले सेशन में मिलेंगे फर्दर 50 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के, एंड देन अनदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.